नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड मतलब RCF की तरफ से यहाँ पर अच्छी खासी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों, अप्रेंटिस के तौर पर। तो दोस्तों, बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, स्टिपेंड भी अच्छा मिलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, फ़ीस कितनी लगने वाली है और कब तक आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ ये नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस के तौर पर यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। कौन कौन सी पोस्ट है चलो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पहले जो पोस्ट है वो रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव मतलब HR ट्रेनी के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है। पोस्ट है टोटल यहाँ पे 10 और यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट दिया है 25 ईयर्स। और दोस्तों, दूसरी जो पोस्ट है वो AOCP ट्रेनी की पोस्ट है, उसके लिए निकल के आ चुकी है 60 पोस्ट मतलब 60 जगह है और उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स दिया गया है। तीसरी पोस्ट है अकाउंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए और यहाँ पे 10 पोस्ट निकल के आ चुकी है और उसके लिए भी एज लिमिट 25 ईयर्स दिया गया है। और जो मेडिकल लैब मतलब पैथोलॉजिकल ट्रेनी के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है, टोटल पोस्ट है 5 और इसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट जो दिया गया है वो 21 है। और दोस्तों, अगली जो पोस्ट है डिप्लोमा केमिकल की पोस्ट है, पोस्ट निकल के आ चुकी है 40 और यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स। और दोस्तों, दूसरी जो पोस्ट है डिप्लोमा कंप्यूटर के लिए निकल के आ चुकी है, वो है 5 पोस्ट, उसके लिए मिनिमम एज लिमिट है 25 और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है 5, उसके लिए मिनिमम एज लिमिट है 25 और डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है 5 और उसके लिए भी मिनिमम एज लिमिट 25 है। तो दोस्तों, ये मिनिमम एज लिमिट दिया गया है और दोस्तों मिनिमम परसेंटेज भी दिया गया है, तो मिनिमम परसेंटेज सबके लिए 50% कम से कम होना ज़रूरी है। और ट्रेनिंग आपका किसी का 2 साल के लिए है, किसी का 12 महीने के लिए है, किसी का 14 महीने के लिए है, तो आप आके चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाकी चीज़ें चलो देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहली पोस्ट थी रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए HR के लिए, तो उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएट आपका होना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी जो पोस्ट है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए मतलब AOCP के लिए जो पोस्ट थी, उसके लिए आपका BSc पास होना ज़रूरी है केमिस्ट्री के साथ में, विथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या तो फिर बायोलॉजी, उसमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, अगली जो पोस्ट थी अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए, तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका HSC पास होना चाहिए कॉमर्स के साथ में मतलब कॉमर्स में, या तो फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ में फाइनेंशियल सेक्टर में, या तो फिर आपने अगर BCom किया है, MBA किया है, BBA किया है, ग्रेजुएट है कि इकोनॉमिक्स के साथ में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगली जो पोस्ट थी मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पैथोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पास है HSC विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। अगर आपने 12वीं पास किया है साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, डिप्लोमा के लिए यहाँ पे आपका केमिकल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल के लिए, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर का डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का डिप्लोमा, ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे दी गई है। दोस्तों, रिजर्वेशन किस तरह से रहेगा आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर EWS PW BD कैंडिडेट विल बी एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल जैसे कि रूल के हिसाब से रहता है, OBC के लिए 3 साल, PW के लिए 10 साल, उसी तरह से यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, एलिजिबिलिटी आपको बता दी, जैसे कि एज क्राइटेरिया में कैंडिडेट शुड नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/11/2020 को आपके 18 साल से नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पहले मैंने बताई उतनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। स्टिपेंड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 12 के जो क्वालिफिकेशन थी उसके लिए यहाँ पे 7,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलने वाला है स्टिपेंड, और टेक्नीशियन एंड अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पर 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 9,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर स्टिपेंड मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। दोस्तों, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेबसाइट दी गई है www.refltd.com पे। आप रिक्रूटमेंट में जाके वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, टोटली अप्लाई ऑनलाइन रहेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई लिखा है तो टोटली आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर 31 जुलाई को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 अगस्त दी गई है,
मतलब 7 अगस्त के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें दोस्तों आपके समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जैसे नया वीडियो बना उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स डालता रहता हूँ, PDFs डालता रहता हूँ, नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, तो आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।